नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशाली। तो देखिए, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा कुछ लेटेस्ट अपडेट दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अब से जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसके जो ईएमआई है उसको डिफर्ड किया जाएगा। तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों को डाउट्स थे, लोगों की कमेंट्स भी आई थी। तो चलिए आज हम उन सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो देखिए, मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे अवेलेबल हूँ और वहाँ पे भी मैं ऐसे ही अपडेट्स देती रहती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों की जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो लोन है ये 3 महीने के लिए डिफर्ड की गई है, इसको वेव नहीं किया है। मतलब कि 3 महीने के लिए आपको फ़िलहाल के लिए जो ईएमआई है उसको नहीं भरना है, लेकिन वो आपको माफ़ नहीं किया गया है। ये जो ईएमआई है ये आपको बाद में भी भरने रहेंगे। तो ये जो है 1 मार्च से लेके 31 मई के बीच में जो भी आपके इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है वो अगर आप चाहें तो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं और अभी आपको नहीं भरना है। सो सिंपली ये जो लोन है ये टेम्पररी डिफर की गई है, वेव नहीं की गई है। इसके बाद में लोगों का क्वेश्चन था कि अगर अभी हम इस 3 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स को नहीं भर रहे तो क्या ये इंस्टॉलमेंट्स हमको 3 महीने के बाद में एक साथ पे करने पड़ेंगे? तो नहीं दोस्तों, एक साथ आपको इसको पे नहीं करना है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा है योर लोन टेन्योर विल बी एडजस्टेड टू योर रीपेमेंट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो लोन है वो 5 साल की है तो उसमें 3 महीने ऐड किए जाएंगे, यानी कि 5 साल और 3 महीने की आपकी लोन हो जाएगी। अगर 7 साल की लोन है तो वो 7 साल और ऊपर 3 महीने की लोन हो जाएगी। मतलब कि सिंपली आपकी जो लोन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें कौन सी लोन्स जो है वो आपकी इंक्लूड होगी। तो किसी भी तरह की अगर आपकी टर्म लोन है तो वो सारे की सारी लोन इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि होम लोन हो गई, कार लोन, एजुकेशनल लोन, फार्म लोन है, क्रॉप लोन, बिजनेस लोन, ये सारे के सारे लोन्स इसमें कवर होगी। इसके अलावा जो हमारे ईएमआई होते हैं मोबाइल, फ्रिज, टीवी वगैरह के, वो सब भी इसी में इंक्लूड हो गए। सो अगर आप इन सब का भी ईएमआई अगर आप पे कर रहे हो तो इसको भी आप 3 महीने के लिए डिफर कर सकते हो। और देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो वही है कि क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है वो भी क्या इसमें इंक्लूड होंगे? तो जी हाँ, अगर आपके कोई क्रेडिट कार्ड के ड्यूज है तो वो भी आपके 3 महीने के लिए डिफर्ड हो सकते हैं। जो यहाँ पे मेन पॉइंट निकल के आ रहा है वो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। तो देखिए, भले ही हमें 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, लेकिन फिर भी इन 3 महीनों का जो इंटरेस्ट है ये काउंट किया जाएगा। भले ही ये इंटरेस्ट आपको अभी पे नहीं करना है, आपकी जो एक्सेस लोन पेमेंट करनी बाकी है उसके जो इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे उसी के अंदर ये इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो एडजस्ट की जाएगी, लेकिन आपको इन 3 महीने का भी इंटरेस्ट पे करना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पर्सनली मैं तो ऐसी एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सेस मनी है या तो फिर आपकी इनकम अभी भी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू है तो फिर आपको इन इंस्टॉलमेंट्स को स्किप नहीं करना चाहिए और अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे करते रहना चाहिए, ताकि आपको ये 3 महीने की जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो पे करनी ना पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि अगर हम ECS से पेमेंट कर रहे हैं और अगर हमारे बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस है तो क्या ये ECS ऑटोमेटिक कट हो जाएगा या फिर हमसे पूछा जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर फिलहाल मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बैंक से वही दे पाएंगी। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी बैंक की तरफ से कोई ना कोई आपको क्लैरिफिकेशन ज़रूर दी जाएंगी। सो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए, इस वीडियो को आप WhatsApp के थ्रू भी अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके भी ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।